साथ मिलकर चलाएंगे, ऐसे लोगों को क्यों नहीं खुद से अलग कर लेते हैं आप लोग? ना वो सरकार के हिस्सा है, वो एक सहयोगी है, लेकिन जो उन्होंने बयान दिया है उससे बिल्कुल सरकार इत्तेफाक नहीं रखती है। वो भी तो इसी तरह की राजनीति कर रहे हैं ना जो आपके विरोधी इस वक्त कर रहे हैं। ठीक है, हर एक की अपनी फितरत होती है, सबकी फितरत का ठेका मैंने नहीं लिया हुआ ना। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात है। जीतन राम मांझी का एक बयान आया था जिससे जेडीयू अपने आप को फिलहाल अलग करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन यहां पर सीधे अब अनुराग भदौरिया आपका रुख करते हुए, क्या मौजूदा वक्त की जरूरत नहीं है कि एक साथ इस लड़ाई को हराने के लिए पूरी ताकत लगाई जाए? अगर आपस में ही हम बिखरे रहेंगे तो कैसे लड़ेंगे कोरोना से? बिल्कुल सही कह रही, मैं आपकी बात से सहमत हूं। जो पॉलिटिकल कोरोना फैलाया हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने, ये रुकना चाहिए। ये अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इसके ऊपर आरोप लगाते रहे, ये गलत है, क्योंकि सरकार उनकी जिम्मेदारी उनकी बनती है। और जिस तरह से कोरोना से लगातार लोगों की मौतें हो रही है और कोरोना की जो व्यवस्था सरकार को करना चाहिए तो सरकार करने में फेल है। अब जब सरकार के ऊपर सवाल उठाया जाता है तो सरकार कहती है आप पॉलिटिक्स आप लोग आपदा में अवसर खोज रहे हो। आपदा में अवसर कहाँ भाई? अगर आपने आँख कान नाक बंद कर लिए, ऐसा कोई घर नहीं इस देश के अंदर में जिसके यहाँ मौतें ना हुई हों, और लगातार मौतें की संख्या कोई कम तो हुई नहीं है, बढ़ती जा रही है, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, लगातार मौतों की संख्या बढ़ रही है। और सरकार इस पे इशू को डाइवर्ट करने के लिए कि कोरोना पे ज्यादा बात ना हो पाए या ब्लैक फंगस अपना पैर फंसा रहा है, वो भी उससे भी लगातार मौतें हो रही हैं, तो एफआईआर गेम इन्होंने शुरू कर दिया। कमाल की बात कर रहे हैं, सरकार ऐसी बातें कर भी हो सकती है? सरकार को तो बोलना चाहिए कि अभी एफआईआर गेम नहीं होना चाहिए, अभी गेम होना चाहिए, कैसे देश को बचाएं। ये भारतीय जनता पार्टी लगातार यहाँ पे चुनाव कराती है, चाहे विधानसभा चुनाव चाहे पंचायती चुनाव, इनके गलत फैसले, इनकी नाकामी, गलत नीति की वजह से पूरा हिंदुस्तान कोरोना में आ गया और कोरोना से हिंदुस्तान जूझ रहा है। वो ये लोग उसके ऊपर चर्चा नहीं करना चाहते, उस पर बात करो, आरोप लगाना चाहते हैं। आपको तो कोर्ट भी बोल चुका है, आप सुप्रीम कोर्ट की तरह है, सुप्रीम कोर्ट की तरह मत बनिए, कान नाक खोल के रखिए, अगर कोई कहना सुनने की कोशिश की है। हाई कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट कहता है आपने नाम भरोसे छोड़ दिया, एक तरफ हाई कोर्ट कहता है कि आपने नरसंहार किया है, प्लीज एक एक करके अपनी बात रखिए, मुकदमे भी होने चाहिए। मैं तो माननीय उच्च न्यायालय से बोलूंगा, नकुल शर्मा पूछ रहे हैं अनुराग भदौरिया टीका लगवाया आपने नहीं लगवाया, फैसले की वजह से लगातार हिंदुस्तान जूझ रहा है, हिंदुस्तान की मौतें हो रही है। वो ये लोग राजनीति करने बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं और अपनी जिम्मेदारी लेकर दूसरों पर जिम्मेदारी छोड़ रही है। कमाल की बात कर रहे भाई, अरे आपने ये चिल्लाते रहिए, वैक्सीन आप मंगा नहीं पाए, वैक्सीन का आपने ऑर्डर दिया था, हिंदुस्तान में वैक्सीन आ रही होती, लोगों को वैक्सीनेट हो गए होते। आपकी नाकामी आप दूसरों पर डालना चाहते हो, आपने वैक्सीन क्यों नहीं बनवा लिया? ठीक है, आप लोगों की बातों से समझ में आ गया कि मौजूदा वक्त में देश कहां पर खड़ा हुआ है। चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, लेकिन देश का ये दुर्भाग्य है कि जब हम सबको एक साथ मिलकर कोरोना का मुकाबला करना चाहिए, और अब तो सिर्फ कोरोना ही क्यों, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, इस तरह की नई बीमारियां लोगों को लगातार परेशान कर रही हैं, लोगों की जान जा रही है, उसके बावजूद इस देश में राजनीति है जो जाती ही नहीं, इसका क्या किया जाए? ये जो राजनीति का नया वेरिएंट कोरोना काल में भी दिखाई दे रहा है, इसको जड़ से खत्म कैसे किया जाए ताकि हम सिर्फ बीमारी से मुकाबला कर सकें, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन जब वापस लौटेंगे तो जनता की क्या राय आज के सवाल पर हमें मिली है वो आपको दिखाएंगे। इस ब्रेक के बाद देखिए।